So guys, we have gathered here to discuss CS1 orientation session. So before I start, just check whether I'm audible or not. Okay, so I have received a lot of yeses in the chat section. So let me start. So any idea, guys, what do you mean by CS1? What do you mean by statistics? What do you mean by all this stuff? So we have just started our actuarial profession, or maybe some students have just cleared their CM1 exam and then starting with CS1. Maybe it is your first or max of it your second exam. So any idea, what are we going to study in CS1? What is CS1 all about? What is stats all about and how it is related to actuarial science? Why we are studying stats? All these questions could have arise on your minds. Any idea? Okay, first of all, let us understand the background of CS1, where the CS1 is taken from. So guys, your CS1 subject name was introduced from April 19. Earlier it has name of CT3. 2019 ke baad hamara sara curriculum change hua tha. Usse pehle hamare paas earlier kaun sa subject hota tha? CT3. So CS1 was combination of CT3 plus few chapters taken from CT6. So agar main isko aapko detail mein bataun, okay, let me share my screen with you all. So kya tha pehle? CS1 hamara exam hai. CS1 exam ki jagah pehle hamara kya hota tha? CT3 and CT6. सो जो अब हमारे नए करिकुलम में 2019 ऑनवर्ड्स हमारे जो चैप्टर 1 टू चैप्टर 11 आप लोग पढ़ोगे CS1 करिकुलम के, वो डायरेक्टली कहाँ से लिए गए हैं? वो डायरेक्टली हमारे CT3 से लिए गए हैं. एंड फ्रॉम चैप्टर 12 टू 15 ये हमारा किसका पार्ट थे अर्लियर? CT6 का पार्ट थे. अब ठीक है, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, अभी तो हम CS1 पढ़ने आए थे, अब ये CT3 और CT6 क्या है? सो गाइज, ये मैं आपको क्यों रिपीट करवा रहा हूँ? क्योंकि 2019 से पहले, अर्लियर टू 2019, आप जो भी पास्ट पेपर्स करने वाले हैं उसमें आपको कहीं भी CS1 का नाम नहीं मिलेगा. नाउ सपोज यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन दैट हैव कम इन 2018 डाइट. सो अब आप लोग किस डाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? आप सब अप्रैल 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. जब अप्रैल 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, आप पास पेपर्स देखोगे 2020 के, 2021 के, 2019 के, तो इन तीन इयर्स के जब आप पास पेपर्स देखोगे तो आपको डायरेक्टली CS1 कोड नेम मिलेगा और उसके आप पास पेपर्स डाउनलोड करोगे और प्रैक्टिस अपना कर सकते हो. बट प्रायर टू दैट आपको 2018 एंड 2017, 2016 एंड सो ऑन, आपको कहीं भी CS1 कोड नेम नहीं मिलेगा. वहाँ आपको क्या मिलेगा? CT3 एंड CT6. तो तभी हमें यह जानना जरूरी है कि CS1 आया कहाँ से था. तो गाइस, अर्लियर देयर यूज टू बी CT3, CT6 और CT3 का ऑलमोस्ट पूरा करिकुलम हमारे किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? CS1 के अंदर. एंड द फोर चैप्टर्स ओनली, चैप्टर 12, 13, 14, 15 जो अब CS1 के 12 से 15 चैप्टर्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो हमारे CT6 से लिए गए हैं. तो जहां भी हम बोलेंगे कि गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस चैप्टर 12 फ्रॉम पास पेपर्स, तो चैप्टर 12 जब आप पास पेपर से प्रैक्टिस कर रहे होगे तब आपको CT6 की पास पेपर्स खोलने पड़ेंगे. अब ये चीज़ें हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, जब हम अपने समरी लिस्ट्स की बात करेंगे. अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये CS1 आया कहाँ से था. सो CS1 आया था हमारा CT3 एंड CT6 से. एनी डाउट स्टिल हियर? क्विकली टेल मी. एंड गाइज, ड्यूरिंग द सेशन यू कैन जस्ट पोस्ट योर डाउट्स इन द चैट सेक्शन, वेयर एवर यू आर हैविंग एनी डाउट्स और यू वॉन्ट मी टू रिपीट एनीथिंग और यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग इन वेरी डिटेल, यू कैन जस्ट ping me in the chat section. Okay, let me proceed. So हुआ क्या था 2018 तक? CT3 एक अलग सब्जेक्ट था, CT6 एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन CS1 के अंडर हमारी तीन चीजें आई. एक CT3 का ऑलमोस्ट एंटायर करिकुलम, एक फोर चैप्टर्स ऑफ CT6 प्लस वन मोर थिंग, दैट इज योर आर लैंग्वेज. तो पहले हमारा 2018 है, उससे प्रायर हमारे पास एक्चुअल में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी, लेकिन
अब हमारे पास कुछ कुछ कोडिंग पार्ट भी जुड़ गया एक्चुअल में, एंड आई थिंक दैट इज रियली गुड, बिकॉज अब आप जब ग्रेजुएशन करने के बाद व्हेन यू क्लियर 2 to 3 एग्जाम्स ऑफ एक्चुअल, व्हेन यू गो टू जॉब, उसमें डायरेक्टली जब हम बुकिश पढ़ के जाते थे तब हम अपना जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते थे तो गाइस बिल्कुल ही डिफरेंट होता था। नाउ सपोज हम जैसे CS1 की बात करें, CS1 में आपने डिस्ट्रीब्यूशन सीखोगे, मीन वेरियंस सब कुछ सीखोगे, वो आपको फॉर्मूला से तो करना आता है, लेकिन आप खुद बताओ क्या हमारे पास एक रियल लाइफ में अगर हमारे पास एक क्वेरी आई है तो क्या हम बैठ के उसका पहले मीन वेरियंस निकाल रहे होंगे और फिर उस मेल का रिप्लाई करेंगे? नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमारे पास प्रॉपर मॉडल्स बने होंगे हमारे पास सॉफ्टवेयर में, हमें सिर्फ टेस्टिंग करनी होगी, अपनी एनालिसिस करनी होगी और रिजल्ट्स हमें अपने मेल्स करने होंगे। अब आप क्या होगा, ठीक है सर अगर हमें अपने रिजल्ट्स ही मेल्स करने एनालाइज करके, तो हम स्क्रैच से फॉर्मूलाज को सीख रहे हैं गाइस, वो इसलिए सीख रहे हैं, हमेशा जो एक मॉडल बना हुआ है वो आगे के लिए चलता नहीं रहेगा, उन मॉडल को भी तो रिफाइन करना पड़ेगा। अगर मॉडल को रिफाइन करना है तो आपको बेसिक से सब कुछ तो पता होना चाहिए, तो इसलिए हमें सब कुछ स्क्रैच से आना चाहिए कि हमें मीन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम अपने CS1 के अंडर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ आया CS1 आया कहाँ से, तो बिल्कुल हम स्क्रैच से चलेंगे धीरे धीरे। पहले हम समझेंगे CS1 क्या है, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम एट द एकेडमिक जंक्शन क्या ट्रिक्स फॉलो करेंगे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर 1 पे प्रोसीड करेंगे। एनी डाउट्स स्टिल हियर? ओके, सो गाइस लेट मी प्रोसीड। अब हम बात करते हैं CS1 के एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस अंडर CS1 देर आर टू सब्जेक्ट्स, CS1A एंड CS1B। तो जैसे भी मैंने आपको बताया देर आर 15 चैप्टर्स इन CS1, नाउ देर आर वन मोर चैप्टर हैज बीन एडेड, नाउ एक और चैप्टर इसमें ऐड हो गया, पहले वो CM1 का था डेटा एनालिसिस, अब उन्होंने वो CS1 में मूव कर दिया, सो यू कैन से देर आर 16 चैप्टर्स। और CS1B, वॉट इज CS1B? आर लैंग्वेज। तो जो हम 15 चैप्टर्स पढ़ेंगे वही सेम चीज हमें आर लैंग्वेज में रिप्लीकेट करनी आनी चाहिए, तो ये 15 चैप्टर्स हमारे आर लैंग्वेज में टेस्ट होंगे अंडर एग्जाम CS1B। नाउ यू विल बी आस्किंग व्हाट इज द एग्जाम वेटेज ऑफ बोथ द मार्क्स। सो गाइस बोथ द एग्जाम्स आर ऑफ 100 मार्क्स ईच, बोथ CS1A एंड CS1B दोनों 100 मार्क्स के होंगे। ओके, सो नाउ यू विल बी सेइंग क्या वेटेज भी इक्वल है? नहीं, वेटेज इक्वल नहीं है। थ्योरी एग्जाम को 70% वेटेज दी गई है और प्रैक्टिकल एग्जाम को 30% वेटेज दी गई, जैसे हमारे स्कूल्स में होता है जनरली। तो 70% हमें थ्योरी एग्जाम को दी गई है, 30% हमें प्रैक्टिकल एग्जाम को दिया। अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा गाइस? प्रैक्टिकल एग्जाम इज दी होम बेस्ड एग्जाम, होम बेस्ड एग्जाम है। आपको एग्जाम टाइम पे एक क्वेश्चन पेपर आएगा, यू हैव टू जस्ट टेस्ट इट ऑन दी आर लैंग्वेज, आर आपको स्टूडियो होगा, उसका एक सॉफ्टवेयर होगा, हम आर की क्लासेस में आगे डिस्कस करेंगे। आर स्टूडियो में आपको कोडिंग कोड्स टेस्ट करने होंगे और उसके कोड्स जो होंगे वो आपको MS Word में कॉपी करके सॉफ्टवेयर पे अपलोड करना होगा, जो उनका सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा एग्जाम के टाइम पे। अच्छा, CS1A में क्या हो जाएगा गाइस? आपने बोला ये होम बेस्ड है, यस। नाउ कोविड टाइम इज देयर, तो IFOA, II दोनों ने अपना ये CS1A एग्जाम भी होम बेस्ड कर लिया। पहले नहीं होता था, पहले आपको सेंटर पे जाके ये एग्जाम देना होता था। आज की डेट में अगर मैं अप्रैल 2022 की बात करूँ, दिस एग्जाम विल ऑल्सो बी होम बेस्ड ओनली। तो होम बेस्ड एग्जाम है, तो अच्छा बोलोगे तो क्या हमें कॉपी पेन पे करना? नहीं, अब हमें कॉपी पेन पे नहीं करना, इसके लिए भी हमें टाइपिंग ही करनी है ऑन MS Word। नाउ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर जब हम कॉपी पेन पे करते थे तो थोड़ा कम टाइम लगता था, अब हम उसी सेम चीज़ को मैथ्स को टाइप करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा, उसी के लिए हम अभी से अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर हैविंग 6 to 7 months, 6 से 7 महीने हमारे पास, हम अच्छे से वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा आप लोग क्या हो गया, अच्छा सर हमने प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी क्या हम वो स्पीड मैच कर पाएंगे जो हम बचपन से कॉपी पेन पर टाइप कर रहे हैं? बेटा वो मैच करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली IFOA को भी ये पता है कि वो स्पीड मैच नहीं हो सकती, तो IFOA ने अपना एग्जाम, IFOA एंड II बोथ, सो देर आर टू सोसाइटीज, मैं इस पर बाद में आऊंगा, पहले एक सोसाइटीज की भी बात कर लेते हैं। सो देर आर टू सोसाइटीज फ्रॉम विच यू विल बी गिविंग दिस CS1 एग्जाम एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर बोथ दिस सोसाइटीज। तो इन दोनों सोसाइटीज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने अपने वेबिनार में बात करी हुई है, सो यू कैन जस्ट आस्क द लिंक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ दैट वेबिनार इफ यू आर कन्फ्यूज फॉर
बोधनी सोसाइटीज, हम अपनी क्लासेस में बात करते रहेंगे क्या डिफरेंस आएगा, कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहिए, कहाँ से एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज के सेशन में बात करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से डिटेल में जानना है कि दोनों सोसाइटीज़ में क्या डिफरेंस है, तो गाइस आई विल सजेस्ट यू टू आप इंस्टीट्यूट से इस वीडियो का, इस वेबिनार का लिंक मांग सकते हो। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ठीक है एमएस वर्ड पे एग्जाम होना है तो क्या हम स्पीड मैच कर पाएंगे। सो गाइस बिल्कुल कर पाओगे। आईएफओ एंड आईआई बोथ सोसाइटीज हैज चेंज्ड देयर एग्जाम पैटर्न टू इनकॉर्पोरेट दैट स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम्स ऑन एमएस वर्ड ओनली। वो कैसे करा है, उन्होंने कुछ कुछ एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, या फिर जैसे अगर कोई सेम क्वेश्चन पहले 5 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा था उसकी थोड़ी सी वेटेज बढ़ा दी है, 5 की जगह उसको 7 मार्क्स का पूछ लिया। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है कि अगर एमएस वर्ड में एग्जाम है सो विल वी बी एबल टू कंप्लीट दैट एग्जाम इन द एग्जाम टाइम और नॉट। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ हम सीख लेंगे धीरे धीरे। अब आते हैं बात कि बच्चे पूछते हैं कि सर whether we will be able to complete the course. Guys, this is the best time to start this course. What IFO suggests the exam time for this preparation of this exam is 150 to 200 hours. तो अगर हम simple maths करें, so we are having almost 6 months. अगर हम II exams की बात करें तो वो कब होंगे, वो हमारे मार्च में होंगे। IFO की बात करें तो वो कब होंगे, वो अप्रैल में होंगे। तो अगर हम मिनिमम 6 months में मान के चलें, 6 months ऑलमोस्ट 30 डेज इन अ मंथ, तो कितने हो गए 180 डेज। तो आप खुद देखो अगर हम इसका एवरेज पे जाएं समवेयर अराउंड 180 आवर्स एंड यू आर हैविंग 180 odd days। सो इफ यू आर हैविंग 180 डेज एंड यू ओनली रिक्वायर 180 आवर्स, सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ओनली, ओनली 1 आवर। एक घंटा अगर आप डेली दोगे अपने CS1 को, गाइस ट्रस्ट मी दिस एग्जाम इज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड टू क्लियर। तो एक घंटा हमें देना है सिर्फ, हम CS1 के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं अप्रैल तक। एनी डाउट्स स्टिल हियर? अब होता क्या है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक घंटा ही तो देना है, फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे हमारे कजन्स की शादियां भी आएगी, फ्रेंड्स के बर्थडेज भी आएंगे, हमारे बर्थडेज भी आएंगे, अदर कमिटमेंट्स भी आएंगी, कोई क्रिकेट मैच भी आ रहा होगा या कुछ भी आ रहा होगा, तो उस वजह से हमारे डेज भी मिस होंगे। सो गाइस ये 1 आवर सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर एक हफ्ता मिस करा तो हमें 7 आवर्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। और एग्जाम टाइम में ऐसा तो होगा नहीं, जो एग्जाम से 15 डेज पहले हम सिर्फ एक एक घंटा देने वाले हैं, एग्जाम से 15 डेज वाले हर बच्चा 5-5, 6-6 घंटे दिन के देगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये 180 आवर्स इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। आज से अगर आप सिंसियरली पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आराम से एग्जाम क्लियर हो सकता है। एनी डाउट्स टू यू? अब हम आते हैं वापस से एग्जाम पैटर्न पे। सो आई वॉज टेलिंग यू 70% वेटेज ऑफ दिस, 30% वेटेज ऑफ दिस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज IFO कहता है मेरी अप्रैल 2022 जो आप लोग डाइट देने वाले हो, अप्रैल 2022 डाइट की CS1 की पासिंग है 62। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैसे पासिंग मार्क्स अभी हम डिस्कस करेंगे किस रेंज के बीच में लाया करती है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि 62 हमारी पासिंग आती है। नाउ स्टूडेंट एक्स, नाउ सपोज देर इज अ स्टूडेंट एक्स हु हैज स्कोर्ड 70 इन CS1A एंड 60 इन CS1B। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस 70% ऑफ दिस 70? ऑब्वियसली 70% ऑफ 70 विल बी 49। नाउ व्हाट इज दिस 30% ऑफ 60? व्हाट इज दिस 30% ऑफ 60? दैट विल बी 18। नाउ स्टूडेंट विल गेट हाउ मच मार्क्स? 67 एंड पासिंग वाज 62, सो ही इज पास्ड। सो इस तरीके से आपकी पासिंग लगेगी, आपके मार्क्स 200 में से नहीं लगेंगे, आपको फाइनल मार्क्स 100 में से दिए जाएंगे, लेकिन उस 100 में से 70% लगेगा पेपर ए का एंड 30% लगेगा पेपर बी का। एनी डाउट्स टिल हियर गाइस? ओके, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू ग्रास्प ऑल दीज थिंग्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, देन आई विल प्रोसीड, देन वी विल कंपेयर द पास्ट रिजल्ट्स एंड the passing marks for both the societies IFO and II for this particular exam.
यस, बोथ द एग्जाम्स विल बी ऑन वर्ड ओनली गाइस। सी एस वन ए भी आपको वर्ड पे लिखना है, सी एस वन बी भी आपको वर्ड पे लिखना है। सी एस वन बी के लिए आप जो आर का सॉफ्टवेयर होगा, आर स्टूडियो होगा, उसमें पहले अपने कोडिंग टेस्ट करोगे। अगर आपका कोड सही से रन हो रहा है तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड पे चिपका दोगे। वो क्यों टेस्ट करना जरूरी है? अगर आपने कोड तो कॉपी पेस्ट कर दिया, अब एग्जामिनर उस कोड को रन करके देखेगा, अगर वो रन होने के बाद ढंग से नहीं चला सो यू दे विल डिडक्ट योर मार्क्स। सो आपके लिए कोड रन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे पास ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, सर हमने आज तक कभी भी कोडिंग नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, तो क्या हम हमारा आर सीख पाएंगे? अच्छा, हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सर आज तक हमने कंप्यूटर चला के ही नहीं देखा, हमें पता ही नहीं कंप्यूटर चलाते कैसे, तो क्या हमारे लिए आर सीखना इजी है? गाइस, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। हम लोग सब कुछ स्क्रैच से पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी चलेगा, अगर आता है देखो, अगर आपने ऑलरेडी कोई ना कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, अगर ऐसा कुछ पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग आर। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ रखा तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई डिसएडवांटेज भी, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं। कैसे हम आर को ओपन करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, कैसे 1+1 करेंगे आर में, सब कुछ हम स्क्रैच से सीखेंगे। एंड वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 10 to 12 क्लासेस फॉर ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक आर। बेसिक आर सिखाएंगे पहले आपको 10 to 12 क्लासेस में, उसके बाद हम सी एस वन स्पेसिफिक आर पे मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली, सपोज हमने 2-3 चैप्टर्स पढ़े सी एस वन के और डायरेक्टली हमने उसको रिप्लीकेट करना स्टार्ट कर दिया आर में, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर पहले 10-12 क्लासेस में हम सी एस वन आर के पहले बेसिक आर सिखाएंगे, उसके बाद हम सी एस वन आर पे जंप करेंगे। जब हमारे 7-8 चैप्टर हो जाएंगे सी एस वन के, उसके बाद हम सी एस वन को आर में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम सिर्फ बेसिक आर पे फोकस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सोसाइटीज फॉर सी एस वन। सो देर आर टू सोसाइटीज, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, वेयर यू कैन प्लान योर सी एस वन फ्रॉम। सो आई एफ ओ के एग्जाम्स कब होने हैं? अप्रैल 2022। आई आई के कब होने हैं? मार्च 2022। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज द एग्जाम फीस। एग्जाम फीस में क्या डिफरेंस है? सो इफ यू आर गिविंग एज अ मेंबर, इफ यू आर गिविंग एज अ मेंबर, देन एग्जाम फीस विल बी 180 pounds, समवेयर अराउंड 180 or 185 pounds, एंड इफ यू आर गिविंग एज अ नॉन मेंबर देन एग्जाम फीस विल बी अराउंड 200 pounds। पाउंड्स अभी आज के डेट में समवेयर अराउंड 100 and 102 के अराउंड चल रहे हैं। तो एज अ मेंबर एग्जाम फीस विल फ्लक्चुएट फ्रॉम 18,500 to 19,000, एंड फॉर अ नॉन मेंबर इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 20,000 to 20,500। ये हमारा एग्जाम फीस रहेगा फ्रॉम IFOA। अब आते हैं आईआई के लिए। आईआई के लिए क्या उन्होंने ज़रूरी करा हुआ है कि आपको स्टडी मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एग्जाम फ्रॉम माई सोसाइटी यू हैव टू परचेज स्टडी मटेरियल कंपल्सरीली। सो स्टडी मटेरियल की कॉस्ट विल बी समवेयर अराउंड, आई डोंट रिमेंबर इट, समवेयर अराउंड 10K, एंड अगेन एग्जाम फीस कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 6 to 7K। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों की फीस ऑलमोस्ट सेम पड़ रही है। आई आई से हमें 17,000 अराउंड का पेपर पड़ रहा है, आई एफ ओ से हमें 18-18.5 का एग्जाम का डिफरेंस पड़ रहा है। तो पहले क्या होता था, पहले आई आई की फीस ना बहुत कम होती थी, सो ये एक रीज़न होता था, बच्चे आई आई ज़्यादा सेलेक्ट करते थे। लेकिन जब से दोनों की फीस एट पार आ गई है तब से बच्चा ज़्यादा आई एफ ओ की तरफ मूव होना शुरू हो गया। वो हम आगे वाले पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे क्यों आई एफ ओ की तरफ मूव होना शुरू हुआ। लेकिन पहले जो फैक्टर रहता था जो बच्चा आई आई से देता था वो फैक्टर फीस का रहता था, जो आज के रेट में नहीं रहा, ऑलमोस्ट सेम फीस है। लेकिन लेकिन डिफरेंस आएगा सेकेंड अटेम्प्ट से। तो आई एफ ओ की जो फीस है बेटा, ये नॉर्मल फीस नहीं है, ये रिड्यूस्ड रेट फीस है। तो ये सब चीज़ें अगेन हमने अपने वेबिनार में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करी हुई है। आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आए, नो नीड टू वरी, यू कैन मैसेज टू द इंस्टीट्यूट और यू कैन जस्ट आस्क द इंस्टीट्यूट टू शेयर द वेबिनार वीडियो विद यू। तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा था रिड्यूस का क्या मतलब है। सो आई एफ ओ ए ने क्या कह रखा है कि वर्ल्ड वाइड जो भी पुअर कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज, इंडिया इज ऑल्सो कम अंडर पुअर कंट्री ओनली, तो उनके बच्चों को हम एक स्पेशल रेट दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? जिनकी इनकम, जिनकी फैमिली इनकम 7 लाख से कम है। तो जब आप एग्जाम फिल करोगे आई एफ ओ ए का, दे विल आस्क यू कि आपकी फैमिली इनकम 7 लाख से कम है या नहीं है। तो जब आप वो फिल करोगे तभी वो आपको रिड्यूस रेट अलाउ करेंगे, वरना अदरवाइज फुल रेट इज समवेयर अराउंड
350 pounds, दैट मीन्स 35,000 पेपर। सो सारे बच्चे रिड्यूस रेट का ही फिल करते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल इनकम अभी कुछ भी नहीं, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तो आप अपनी पर्सनल इनकम क्या दिखाओगे, जीरो ओनली इफ यू आर स्टूडेंट। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपकी इनकम ही 7 लाख से ऊपर है, तब आपको फिर ये रिड्यूस रेट नहीं एप्लीकेबल होगा, तब आपको फिर फुल रेट ही देना पड़ेगा। इसके बहुत डिटेल में नहीं घुसते, ये आप लोग वेबिनार की वीडियोज में और वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। तो मैं आ रहा था पॉइंट पे, फर्स्ट डाइट पे। तो गाइज, फर्स्ट डाइट जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तब तो IFOS एग्जाम 180 पाउंड्स का है और IAS 16-17,000 का है। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पेपर दोगे तो IFOS आपसे सेम फीस ही चार्ज करेगा। लेकिन अब IAS आप ऑलरेडी स्टडी मटेरियल खरीद चुके हो, अब आपको दोबारा स्टडी मटेरियल नहीं खरीदना, अब आपको सेकेंड टाइम सिर्फ क्या देनी है, एग्जाम फीस। तो सेकेंड अटेम्प्ट से IAS थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, क्योंकि अब आपको सिर्फ एग्जाम फीस देनी है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में सेकेंड डाइट सोच के चलोगे कि आपने सेकेंड अटेम्प्ट में पेपर देना है, दैट मींस यू आर नॉट स्टार्टिंग योर सब्जेक्ट फ्रॉम द राइट माइंडसेट। तो सेकेंड जो अटेम्प्ट की हम बात कर रहे थे, तो उसको तो बिल्कुल ही आप हटा दो पिक्चर से, वो तो सोचना ही नहीं है। हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम पहली बार में जो पेपर दे रहे हैं हमारा क्लियर होगा, कोई सेकेंड थॉट है ही नहीं क्लियर ना होने की, तो ये तो हमें पहले ही क्लियर कट लेके चलना है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट के। सो वी हैव डिस्कस्ड the exam timing, we have discussed the fee structure, now let us discuss the passing marks. So IFOA का जो passing marks रहता है, that lies between 55 to 65 out of 100, दोनों का weightage को combine करके उसके 70% से 30%, इसकी weightage लाया करती है 55 to 65 के बीच में। अब आप बोलोगे 55 to 65 के बीच में क्या क्या मतलब हुआ, guys मैक्सिमम इसका मतलब ये है वो 65 कट ऑफ जाएगी, मिनिमम 55 तो जाएगी जाएगी। और ऐसा कब होगा, आप ऐसे समझ लो कि जब सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर करा होगा, पेपर बहुत इजी आया होगा, तो दे विल इंक्रीज देयर कट ऑफ टू 65। एंड जब सारे बच्चों ने बहुत बुरा परफॉर्म करा होगा, पेपर भी बहुत ट्रिकी आया होगा, तो दे कैन रिड्यूस इट टिल 55। लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। सो यू कैन जस्ट से समवेयर अराउंड 60 इसकी पासिंग रहेगी, इसके आसपास ही रहेगी। IAS कभी भी अपनी पासिंग डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन आप इसकी भी 60 मान के चल सकते हो, 60 ही रहेगी। IAS कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता, IFOA हमेशा आपको बताएगा कि हमारी इस डाइट की वेट, इस डाइट की पासिंग मार्क्स ये थी और आपके इतने मार्क्स आए हैं, वो आपको प्रॉपर चीज़ बताएंगे। लेकिन IAS आपको नहीं बताता कि पासिंग क्या होगी। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पॉइंट, पासिंग परसेंटेज कितना रहेगा दोनों सोसाइटीज से। सो गाइज, IFOA की अगर मैं बात करूँ, IFOA का एक स्टैंडर्ड है 40-60% पासिंग। मींस इफ 2000 स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जाम वर्ल्ड वाइड, इफ 2000 स्टूडेंट्स गिविंग एग्जाम वर्ल्ड वाइड, देन आउट ऑफ दैट 2000 स्टूडेंट्स 800 से 1200 के बीच में पासिंग देगी। अभी स्ट्रिक्ट टूल नहीं है, 800 से थोड़ा सा कम भी जा सकता है, 1200 से ऊपर भी आ सकता है, बट जनरली इसके बीच में ही हमारी पासिंग परसेंटेज रहती है फॉर IFOA। अब IAS के लिए ये थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द सैम्पल साइज। अब IFOA इज द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज सोसाइटी, IAS की ज़्यादा जो मान्यता है या फिर ये मान लो ज़्यादा जो इसकी प्रेजेंस है वो इंडिया में ही है, और इसके अलावा थोड़ी सी 2-3 गल्फ कंट्रीज में भी है, तो इसलिए इनका सैम्पल स्पेस थोड़ा सा छोटा है। तो 400-500 स्टूडेंट गिव एग्जाम्स, समटाइम्स इट कैन गो टू एज लो एज 5%, समटाइम्स इट कैन go to as high as 50%। तो इसलिए इसके हम पासिंग परसेंटेज पे एज सच कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका सैंपल साइज ही कम है। एनी डाउट्स टिल हियर? अब आपको लग गया होगा आइडिया कि हमने किस सोसाइटी से एग्जाम देना है। वी विल सजेस्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम IFOA ओनली। हम IAS किन स्टूडेंट्स को कहते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना श्योर नहीं होते कि हम एक्चुअल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर थोड़े से नॉन मैथ्स बैकग्राउंड्स होते हैं या फिर मैथ्स जिनकी वीक होती है, तो उनके लिए हम कहते हैं पहले आपको ACET क्लियर करना पड़ेगा। ऑल्सो एक पॉइंट हम डिस्कस करना भूल गए, टू गिव IAS एग्जाम यू शुड हैव क्लियर्ड योर ACET। आपका ACET क्लियर होना बहुत जरूरी है अगर आपको IAS एग्जाम देना। बट फॉर IFOA देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन, एनी वन हु हैज क्लियर देयर क्लास 12 कैन गिव IFOA एग्जाम। पहले IFOA में रिस्ट्रिक्शन होती थी 85 मार्क्स इन मैथ्स की, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दिए, एनीवन कैन बिकम मेंबर ऑफ IFOA सोसाइटी। और अगर आपको मेंबर नहीं भी बनना, तो आप पहला एग्जाम नॉन मेंबर की तरह भी दे सकते हो। एनी डाउट्स हियर? अदरवाइज आई विल प्रोसीड। अभी तक हमने बात करी CS1 के एग्जाम पैटर्न की,
और दोनों सोसाइटी से डिफरेंस की किस सोसाइटी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट स्ट्रैटेजी वी विल बी फॉलोइंग एट द एकेडमिक जंक्शन टू मेक श्योर दैट वी क्लियर अवर CS1 इन वन गो ओनली। गाइस लिसन दीज स्टेप्स वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली, दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द सेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट, अटेंड जस्ट अ सेक, अटेंड द क्लास ईदर इन क्लासरूम, ऑनलाइन और वीडियो मोड। सो गाइज ऑल थ्री मोड्स आर अवेलेबल फॉर यू, यू कैन जस्ट अटेंड द क्लासेस इन ईदर क्लासरूम मोड, ऑनलाइन मोड और वीडियो मोड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, वेरी इजी। ऑब्वियसली इफ यू हैव कम टू कोचिंग, हमने क्लास अटेंड करनी है, ये वाला स्टेप 100% बच्चा करता है, इसमें किसी की साइड से कोई मिस नहीं होता। अच्छा हाँ, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्लासेस में मिस करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो मोड के बाद, इसलिए मैंने बोला 100% बच्चा करता है। जब तक वो क्लासरूम और ऑनलाइन मोड था उसमें भी मिसेस होते थे, लेकिन वीडियोस तो सब बच्चे देख ही लेंगे, अपना पूरा कोर्स वीडियो से तो कंप्लीट कर ही लेंगे। सेकेंड स्टेप अगेन, यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, रीड द कोर रीडिंग ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर एंड अटेम्प्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे, पहले हमने क्लास अटेंड करी, उसके बाद सपोज हमने चैप्टर वन और चैप्टर टू की क्लास अटेंड करी, अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, उन चैप्टर वन और चैप्टर टू की कोर रीडिंग से गो थ्रू करना, कोर रीडिंग देख ली, उसकी पूरी कोर रीडिंग होगी जो मेन हमारी बुक प्रिस्क्राइब होगी, उसको आपने चैप्टर से अच्छे से रीड कर लिया और प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या होंगे, जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस गिवन होंगे उनका नेम क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थर्ड गाइस, दिस इज द गोल्डन पॉइंट, इसको सर्कल में इसलिए कर रहा हूँ, दिस इज द गोल्डन पॉइंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम समरी लिस्ट्स। एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय समरी लिस्ट्स? सो गाइस समरी लिस्ट क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन लिस्टेड बाय अस। इसमें कौन से क्वेश्चंस होंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम योर IFOA सोसाइटी, योर II सोसाइटी एंड एक सीरीज। अब आप बोलोगे कौन से क्वेश्चंस, गाइस IFOA सोसाइटी के जो भी पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस है उन सबके लिस्ट आपको समरी लिस्ट में मिलेगी। आप बोलोगे ठीक है वो तो हम भी डाउनलोड करके दे सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है क्या है, लेकिन हमने इसमें क्या कर रखा है, गाइस चैप्टर वाइज सेट बना रखे हैं। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, आपने चैप्टर वन और चैप्टर टू कंप्लीट करा, उसकी वीडियो देखी, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अब आप बोलोगे और हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको क्या खोलना है, अपनी समरी लिस्ट आप ओपन करोगे। समरी लिस्ट में क्या दिए होंगे, IFOA के सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो चैप्टर 1 2 से पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी विल से अप्रैल 18 का क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस कर लो, तब आपको अप्रैल 18 का पेपर खोल के ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि चैप्टर 1 2 के कौन से क्वेश्चन है उसमें, आपने डायरेक्टली अपनी समरी लिस्ट खोलनी है, उसमें लिखा होगा अप्रैल 18 क्वेश्चन 2, तो आपने अप्रैल 18 का पेपर खोला और क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस कर लिया, तो आपकी चैप्टर 1 2 की और प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ अप्रैल 18 नहीं, सारे पास्ट पेपर स्टिल अप्रैल 12 तक, उसमें सारे मेंशन है, अप्रैल 12 से लेके पूरा लेटेस्ट डाइट तक, दैट इज 2021 तक पूरा उसमें मेंशन है फॉर बोथ IFOA IIS सोसाइटी। तो सारे पास्ट पेपर्स की लिस्ट हमारे समरी लिस्ट्स में गिवन है। नेक्स्ट थिंग एक सीरीज, अब एक सीरीज क्या है गाइस, अभी हम देखेंगे अपनी जब हम इंडेक्स पेज पे आएंगे CS1 के। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट वेट, लेट मी शो यू द इंडेक्स पेज ऑफ CS1 बुक। सो गाइस हियर यू कैन सी,
सो देर आर 15 चैप्टर्स, एक चैप्टर और ऐड हुआ जो मैंने आपको बताया था सीएम वन के अंदर से आया है डेटा एनालिसिस का, तो उसके अलावा ये 15 चैप्टर्स और है. सो गाइज यू कैन क्लियरली सी, सो दीज चैप्टर्स हैव ब्रेक डाउन इंटू फोर यूनिट्स, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर. तो एक्स सीरीज में क्या है, एक्स सीरीज में जैसे एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर. तो एक्स वन के अंदर किन चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, चैप्टर वन टू फोर के, एक्स सीरीज टू में चैप्टर फाइव टू एट, एक्स सीरीज थ्री में नाइन टू इलेवन, और एक्स सीरीज फोर में ट्वेल्व टू फिफ्टीन. अब इसके लिए भी आपको वन से फोर, अभी आपने सिर्फ वन और टू करा होगा, लेकिन जब आप एक्स वन खोलोगे तो उसके अंदर सारे चार चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे चैप्टर वन टू के कौन से क्वेश्चन हैं इस एक्स सीरीज वन में, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एक्स सीरीज वन खोलोगे और देखोगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं वन टू के, वो मैंशन होंगे किसमें, समरी लिस्ट में. तो दिस इज द पावर ऑफ समरी लिस्ट, हेयर द क्वेश्चन मैंशन इज फ्रॉम आई एफ ओ ए, आई ए आई एंड एक्स सीरीज. तो ये सब तीनों चीज़ों के क्वेश्चन हमारे समरी लिस्ट में मैंशन होंगे, तभी मैंने इस पॉइंट को सर्कल लगाया, दिस इज द गोल्डन पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, एनी आइडिया फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल डाउट्स, ऑल योर डाउट्स फ्रॉम फर्स्ट थ्री पॉइंट्स, ऑल योर डाउट्स फ्रॉम फर्स्ट थ्री पॉइंट्स. जितने भी डाउट्स आपको आए होंगे पहले तीन पॉइंट्स में से, वो हम कवर करेंगे अंडर पॉइंट फोर. अब आपने क्लास अटेंड करी, आपने कोर रीडिंग रीड करी, आपने समरी लिस्ट से प्रैक्टिस करे, अब ऐसा तो होगा नहीं पास पेपर्स के अंदर सारे क्वेश्चंस मेंशन्ड है तो आपसे सारे हो गए होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आ रहे होंगे, तो उसके फिर हम एक डाउट क्लास रखेंगे और उस डाउट क्लास में हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर की. क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट, आप सबका फेवरेट असाइनमेंट. फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट्स. आपने चैप्टर वन टू की क्लास अटेंड कर ली, चैप्टर वन टू की आपने क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद क्लास अटेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? एग्जैक्टली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद समरी लिस्ट कर ली, उसके बाद उसके डाउट्स पूछ लिए, नेक्स्ट स्टेप विल बी उसकी आप असाइनमेंट्स प्रैक्टिस करोगे. नाउ सिक्स्थ स्टेप विल बी व्हाट? What will be the sixth step? आप सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट. Exactly. Tests. लेकिन tests किस pattern में होंगे? Unit wise. So there will be unit tests. अच्छा, unit tests लेने का reason क्या है? आपने chapter wise तो practice कर ली अब, लेकिन exam में questions chapter wise नहीं आने वाले. आपको बताएंगे नहीं कि chapter one का question है, chapter two का question है. वो पूरी unit को हो सकता है एक question के अंदर ही test कर ले. तो जिस हिसाब से exam में questions test होने वाले हैं, उसी तरीके से हमने यूनिट टेस्ट डिजाइन करे हुए हैं, उसी तरीके से आपसे यूनिट टेस्ट पूछे जाएंगे. सो देयर विल बी फोर यूनिट टेस्ट. सो फर्स्ट यूनिट टेस्ट, अभी आप देखोगे आपके पास पूरा स्केड्यूल आ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा. फर्स्ट यूनिट टेस्ट विल बी फ्रॉम चैप्टर वन टू फोर, सेकेंड यूनिट टेस्ट विल बी ऑफ बेसिक आर, थर्ड यूनिट टेस्ट विल बी फाइव टू नाइन, एंड फोर्थ यूनिट टेस्ट विल बी फ्रॉम टेंथ टू फिफ्टींथ. तो इस तरीके से हमारे चार यूनिट टेस्ट होंगे थ्रू आउट दी कोर्स. ये यूनिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक आइडिया देंगे एग्जाम पैटर्न पे कैसे हमारा दिमाग काम करने वाला है. तो इसको बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करके अटेम्प्ट करेंगे. तो इनकी डेट्स आपके पास पहले से ही आ जाएंगी, जब आपके पास जहां जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो शेयर हुई है वहां यू कैन सी CS1 फुल स्केड्यूल. तो आपके पास प्रॉपर डेट्स आ जाएंगी, किस डेट्स पे आपको असाइनमेंट सबमिट करनी है और किस डेट्स पे आपके यूनिट टेस्ट होने हैं. तो दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम बेटर. तो सारी वीडियोज आपके पास है, सब कुछ है, समरी लिस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, यूनिट टेस्ट हैं. अब ऐसा नहीं है जो डेडलाइंस असाइनमेंट्स की दी होंगी आपको उस डेडलाइन डेट पे उसको प्रैक्टिस करना है. जैसे सपोज असाइनमेंट वन की डेडलाइन है 1st December, तो ऐसा नहीं है आपको उसको 1st December में जाकर प्रैक्टिस करना है, आप उसको आज ही प्रैक्टिस कर लो. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्टेप के बाद आप डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप आ रहे हो. अगर फर्स्ट स्टेप के बाद डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप आएगा तो आप बिल्कुल ही ब्लैंक आउट हो जाओगे, ये क्या पूछ लिया. तो तभी ये सारे स्टेप्स डिजाइन करे गए हैं, इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपको चलना है थ्रू आउट द सेशन. और कहीं भी कोई भी डाउट आता रहेगा, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल, एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस मेल आई डी दैट आई एम मैंशनिंग, द अकेडमिक जंक्शन @gmail.com.
ऑल योर डाउट्स आर वेलकम ऑन दिस जीमेल आईडी 24/7। जब भी आपको कुछ भी डाउट आए, यू कैन यूज़ दिस मेल आईडी, यू कैन मेल अस एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू ऑन दिस मेल। अगर मेल पे रिप्लाई करने लायक होएगा, आई विल रिप्लाई ऑन द मेल। अगर मुझे लगेगा आपके डाउट्स ऐसे हैं जिसके लिए हमें एक सेशन रखवाना है, सो वी कैन जस्ट कीप अ सेशन एज वेल, और आई विल डिस्कस दैट डाउट इन द लाइव क्लास एज वेल। गाइस, एनी डाउट्स टिल हियर? सो दिस इज द पैटर्न दैट वी विल बी फॉलोइंग थ्रू आउट अवर डाइट टू मेक श्योर दैट वी ऑल क्लियर अवर एग्जाम इन वन गो ओनली। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट क्विकली आस्क मी, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर वन। ओके गाइस, बिफोर मूविंग टू चैप्टर वन आई वांट टू से यू अ सर्टेन थिंग्स कि चैप्टर वन जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा एक आईएफओ एंड आईएफ दोनों ने एक चीज मिस करी है कि रैंडम वेरिएबल्स जो टॉपिक है वो प्री एज्यूम कर रहे हैं कि बच्चे को आता होगा। तो ये मैं मान सकता हूँ वो प्री एज्यूम करते हैं मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये सब आप लोगों ने क्लास 11 12th में पढ़ रखा है। लेकिन इसके अलावा एक और टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, स्क्यूनेस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सब वो एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको आते हैं। लेकिन मुझे पता है यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गैप है, ये चीज़ आप लोगों ने क्लास 12th में नहीं पढ़ी और एक्चुअल में वो प्री एज्यूम कर रहे हैं कि आपको आती होगी। सो नो नीड टू वरी, आज की क्लास में हम चैप्टर वन स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर वन आई विल बी कीपिंग 4 to 5 सेशंस ऑफ स्टैट्स रिफ्रेशर फर्स्ट। हम 4 to 5 सेशन रखेंगे सिर्फ अपने स्टैट्स को रिवाइज करने के लिए, जिसके अंदर हम सब कुछ बेसिक से सीखेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाएंगे, अपना वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे। 2-3 क्लासेस इसमें लगेंगे और उसके बाद 2 क्लासेस हम रखेंगे ओनली टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल, हाउ टू कैलकुलेट मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कशन करेंगे बिफोर मूविंग टू चैप्टर 2। सो डोंट वरी, अभी आपको लगेगा एकदम से क्या स्टार्ट हो गया, नो नीड टू वरी, बिकॉज आईएफओ एंड आईआई प्री अज्यूम दैट यू गाइज नो व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल, बट आई नो देर इज सम इन्फॉर्मेशन गैप, आप लोगों ने 12th में नहीं पढ़ी ये चीज और एक्चुअल में वो आपसे प्री एज्यूम करा जा रहे हैं। तो नो नीड टू वरी, वी विल बी कीपिंग सर्टेन स्टार्ट्स ऑफ फ्रेशर फ्रेशन टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन गैप। एनी डाउट्स? ओके, नाउ लेट अस क्विकली कम टू द फर्स्ट चैप्टर। सो बिफोर मूविंग टू फर्स्ट चैप्टर लेट अस हैव अ लुक ऑन इंडेक्स पेज अगेन। सो यू कैन सी there are 15 chapters, again I am repeating, one chapter is more there, which CM1 से लिया गया है, यहाँ पे आपको देख नहीं रहा, the chapter name is data analysis, तो उसको भी add कर लो, there are 16 chapters, so we will be first starting with our probability distributions chapter, that is the most basic chapter, इसमें हम पढ़ने के वाले हैं, guys there are certain type of distributions, both discrete and कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। ये चैप्टर आपका, इसमें से डायरेक्टली टेस्टिंग बहुत कम होगी, हार्डली 2 to 4 मार्क्स का आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर का ही यूज थ्रू आउट द कोर्स आपका होना है, क्योंकि इसमें ही हम सारे डिस्ट्रीब्यूशंस वो पढ़ेंगे जो हमें थ्रू आउट अवर स्टैट्स पोर्शन में अप्लाई करना है। और इसी चैप्टर को और इसी सिलेबस को हम आगे एक्सटेंड करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम दैट इज CS2 में, लेकिन वो थोड़ी अभी बात की बात है, अभी हम अपना CS1 पे फोकस करेंगे। ओके गाइस, नाउ
आई विल टेक यू थ्रू दी फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. बिफोर आई स्टार्ट, एनीवन एनी आइडिया कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का? हमने क्लास ट्वेल्थ में एक डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ रखा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रखा है, और आप सबने वो पढ़ रखा होगा. यस एग्जैक्टली, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. किसी को याद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते थे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, मैं याद कराता हूँ आपको. आप लोग ऐसे लिखते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r विल बी इक्वल्स टू एन सी आर पी रेस टू पार आर क्यू रेस टू पार एन माइनस आर. गाइस, नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू एक्चुअल साइंस. कुछ कुछ नोटेशंस एक्चुअल बुक्स में बिल्कुल ही अपनी यूज होंगी, तो मैं आपको अभी आज की क्लास में बता देता हूँ. पहली नोटेशन जो आप लोग बहुत जगह देखोगे तो कंफ्यूज मत होना ये क्या नोटेशन है. एनसीआर, एनसीआर अब हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे एक्चुअल में, हम लिखेंगे ऐसे एनसीआर. तो अब ऊपर वाली नोटेशन भूल जाओ एनसीआर की, हम ऐसे लिखने वाले हैं. सेकेंड चीज, अब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एनसीआर पी रेस टू पार आर वन माइनस पी रेस टू पार एन माइनस आर. तो क्यू वेरिएबल को हम एक्स्ट्रा क्यू लिखे, जब क्यू की कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है. वी नो क्यू इज व्हाट? वन माइनस पी. तो मैंने क्यू को रिप्लेस करवा दिया वन माइनस पी से. अब ये जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. मैं अभी सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी नोटेशंस होंगे जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे, मतलब वही है, बस लिखने का तरीका अलग है. तो जो एक्चुअल वाले ऑथर्स हैं उन्होंने एनसीआर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग सब देख के आए होंगे. तो बिफोर मूविंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑन वन बाय वन. और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको इंट्रो सेशन में. सो ऑलवेज जब भी आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, किसी भी मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम किसी भी मोड में अटेंड कर रहे हो, तीन चीज़ें हमेशा आपके पास पढ़ने वक्त होनी चाहिए. तीन चीज़ें अपार्ट फ्रॉम योर माइंड, माइंड तो हमेशा होना चाहिए, उसके अलावा तीन चीज़ें और होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग योर कोर रीडिंग, द बुक विच वी विल बी रेफरिंग इन आर क्लासेस योर कोर रीडिंग. सेकेंड योर एक्चुरियल टेबल्स, अभी मैं बताऊंगा एक्चुअल टेबल्स क्या होगा. थर्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर. अच्छा बच्चे मेरे से पूछते थे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, हमें कौन सा यूज करना चाहिए? गाइस, पहले जब हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में होते थे तब IFO IAI दोनों चेक करते थे एग्जाम सेंटर्स पे कि आप वही मॉडल लेके आए हो जो हमने अलाउ करे. लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम है तो आपके पास थोड़ी सी लिवरेज है, कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. बट स्टिल I will suggest you to use those particular calculator only जो कि allowed है, allow करा हुआ है IFOA ने, ताकि कोई discrepancy ना आए जब वापस से अगर future में offline exams शुरू हों. बाकी आपकी मर्जी है. So the model that I always suggest is KCO FX 82 ES plus. KCO FX 82 ES plus. So you can note it down, KCO FX 82 ES plus. अब जरूरी नहीं आपको यही लेना है, आई सजेस्ट दिस क्योंकि थोड़ा सा चीप भी है ये और ईजी टू यूज भी, और इसमें सारे फंक्शंस कवर भी हो जाते हैं, और जो पुरानी IFOA की गाइडलाइंस थी उसमें ये भी कवर्ड है. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कैलकुलेटर कवर कर लेता है, दैट्स वाई आई सजेस्ट दिस. लेकिन बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं, टेक्सास के भी आते हैं, KCO के और मॉडल्स भी आते हैं, MS वाला भी आता है. बट KCO का MS लेने से अच्छा ये वाला है, इसके अंदर थोड़ी सी और फंक्शनैलिटीज भी हैं. बट गाइस, जो प्रिस्क्राइब लिस्ट है उसी में से लो, क्योंकि IAI एग्जाम्स में अभी भी वो चेक करते हैं, क्योंकि IAI एग्जाम्स में अभी भी वेबकैम हमारा होता है, तो दे कैन चेक विच कैलकुलेटर यू आर यूजिंग. सो आई विल सजेस्ट दिस कैलकुलेटर ओनली, रेस्ट इट्स अपॉन यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन टूडेज क्लास. अच्छा, हमारा वो पॉइंट रहता था कि एक्चुअल टेबल्स क्या है. तो लेट मी शो यू व्हाट इज एक्चुअल टेबल्स.
सो गाइस हेयर आर एक्चुअल टेबल्स, यू कैन सी। सो इसके अंदर, इस पूरे एक्चुअल टेबल्स के अंदर हमारा क्या गिवन है, सारे फॉर्मूलाज थ्रू आउट जो हमें CS1 और आगे वाले सब्जेक्ट्स में यूज़ करने हैं। अच्छा, अब आपको बहुत खुशी हुई होगी जान के कैलकुलेटर भी मिल गया, सारे फॉर्मूलेज भी गिवन है, फिर हमें करना क्या। गाइज ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल इज नॉट अबाउट मगिंग द थिंग्स, आपको कुछ भी रटना नहीं है एक्चुअल में, सारे फॉर्मूलाज भी गिवन है, सब कुछ गिवन है, कैलकुलेटर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं। अच्छा एक चीज़ और, अभी मैं IFOA वाले पैटर्न पे आया था और एक्चुअल टेबल्स वाली चीज़ पे आया था, एक डिफरेंस और लिख लो, जहाँ हम बात कर रहे थे अपने IFOA और II के डिफरेंसेस के बारे में, वहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लो, फिफ्थ पॉइंट एक और नोट कर लो। वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, दैट फिफ्थ पॉइंट इज IFOA के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ओपन बुक हैं, लेकिन II के एग्ज़ाम्स ओपन बुक नहीं है। सो IIA के एग्जाम्स ओपन बुक नहीं है, IFOA के एग्जाम्स ओपन बुक। ओपन बुक का मतलब यू कैन रेफर एनीथिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, योर कोर रीडिंग एज वेल, योर नोट्स एज वेल, यू कैन रेफर एनीथिंग, एंड देयर इज नो कैमरा इंस्टॉल्ड, देयर इज नो माइक इंस्टॉल्ड इन IFOA एग्जाम्स, बट II एग्जाम्स के अंडर यू विल बी अंडर कैमरा, यू विल बी अंडर माइक्रोफोन, आपको माइक्रोफोन ऑन करना पड़ेगा और फिर आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा, दैट मीन्स यू कैन नॉट रेफर एनीथिंग एक्सेप्ट एक्चुअल टेबल्स एंड कैलकुलेटर, वो अलाउड है। जो एग्जाम सेंटर पे अलाउड थी चीज़ें वो आज भी अलाउड है, लेकिन IFOA ने अपने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, ओपन बुक एग्जाम है। अब ये मत समझना ओपन बुक है तो हम कुछ भी कर लेंगे तो और उनको पता नहीं लगेगा, नहीं। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछी है सो यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम द बुक टू द वर्ड डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज आपको अपनी टर्म्स में लिखना है, और अगर आप कुछ कॉपी कर भी रहे हो तो आपको उस पेज का रेफरेंस देना पड़ेगा, क्लियर है। तो IFOA का एग्जाम हमारा ओपन बुक है, II का एग्जाम हमारा ओपन बुक नहीं है, दिस वॉज अ डिफरेंस दैट वॉज लेफ्ट। सो एक्चुअल टेबल्स क्लियर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लियर है, कुछ भी कैलकुलेशन अब हमें कॉपी पेन पे नहीं करनी, सारी हर कैलकुलेशन के लिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे। अगर किसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना आ रहा, नो नीड टू वरी, इन द कमिंग सेशंस आई विल टेक वन सेशन फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर एज वेल, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कैलकुलेटर ऑन कैसे करना है, उसके अंदर डिजिट्स कैसे टाइप करनी है, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ क्या है कैलकुलेटर की, और आप क्या क्या चीज़ें उसकी यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम। सो नो नीड टू वरी, वो भी हम सीख लेंगे। और एक्चुअल टेबल्स में अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दी फॉर्मूलाज, जैसे अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उस डिस्ट्रीब्यूशन की पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉबिलिटी वैल्यूज, ये सारी चीजें हमारी टेबल्स बुकलेट में गिवन। सो दिस इज अवर बाइबल ऑफ एक्चुअल, सिर्फ CS1 में नहीं, आगे हम CM1 पढ़ेंगे, CM2 पढ़ेंगे, CS2 पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये एक्चुअल टेबल्स यूज होंगे। सो इट इज हैविंग अ वेरी हाई यूटिलिटी, क्लियर है। चलो अब हम फाइनली चलते हैं आज की क्लास के हमारे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, हमने करना क्या है इस पूरे चैप्टर में, हम एक एक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका मीन देखेंगे, वेरियंस देखेंगे, सिर्फ इतना ही काम है हमारा इस चैप्टर में, सिर्फ हमें डिस्ट्रीब्यूशन समझते जाना है और उसका मीन और वेरियंस देखना है। तो आज की क्लास में हम एक या दो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, बिकॉज आगे की क्लासेस में हम इस चैप्टर को आगे चलाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ टुडेज क्लास हैज बीन टेकन इन द इंट्रो पार्ट, वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करो उससे पहले आपको पता होना चाहिए उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन सच अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं है इसके बाद हम बाकी से डिस्कस नहीं करेंगे, चलती रहेगी चीजें क्लासेस में, कोई भी आपको डाउट आए, कुछ भी आए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक या पैटर्न स्पेसिफिक आप लोग पूछ सकते हो, लेकिन मैंने एक तरीके से आपको सारा बता दिया कि कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है और क्या क्या पैटर्न है। अब आगे वाली क्लासेस में हमने चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके गाइस, क्विकली हैव अ लुक ऑन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई हैव डिस्प्लेड ऑन माय स्क्रीन। कैन एनीवन टेल मी एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? दिमाग लगाओ और सोचो, क्या कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख के? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 1/k means अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के आउटकम्स होएंगे, समझो कैसे समझना है, x कहां से कहां तक जा रहे हैं 1 2 3 4 टिल के,
तो अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के आउटकम्स होंगे, हर एक आउटकम की मीन्स हर एक आउटकम की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल दैट इज 1/k। जैसे सपोज करो अगर इसका डेटा होता आई 1, 2, 3 till 100, तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी होती, मीन्स अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं 3 के आने की तो कितनी होगी, 1/100। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी पूछूं 99 आने की तो कितनी होगी, 1/100। हर एक आउटकम की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दैट मीन्स 1/k। किसी ने सोचा, रियल लाइफ एग्जांपल दो, बता मुझे। बहुत इजी एग्जांपल जो हम सब ने कोविड टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करा था, उस एग्जांपल को क्या, कोविड टाइम पे सबने गेम इंस्टॉल करी थी, लूडो। लूडो के अंदर क्या यूज करते हैं हम, डाइस। अब सोचो डाइस के अंदर कितने फेसेस होते हैं, 6। हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या, अब सब आंसर दे देंगे तो क्या उसका डेटा बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की कितनी है, 1/6। 2 आने की कितनी है, 1/6। 6 आने की कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी सेम है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जब 6 बार डाई रोल करोगे ही करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक एक बार आएगा, ऐसा क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता। ये आपकी जो प्रोबेबिलिटीज निकलती है बेटा, ये लार्ज सैंपल स्पेस के लिए। अब आप जितना अपना सैंपल स्पेस बड़ा करते जाओगे, 6 बार की जगह आप इसको 6000 बार करो, जब आप 6000 बार करोगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज इसके अराउंड ही मिलेगी, 1/6 के अराउंड ही मिलेगी। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या बताया, रोलिंग अ डाई। तो देख लेते हैं इसका मीन, बहुत सिंपल है। मीन क्या होएगा, अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल क्लासेस में सारे इसके फॉर्मुलेस दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको मीन का फॉर्मूला तो पता होगा। मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या होएगा, 1 + 2 + 3 + टिल कहां तक, टिल योर के। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, के। तो यही हमारा फॉर्मूला हुआ। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये सब आप क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे, n n + 1/2। तो ये उन्होंने फॉर्मूला लगाया, k k + 1/2 अपॉन k, तो फाइनल आंसर मीन का कितना आया, k + 1/2। सिमिलरली अगर हम अपना वेरिएंस का फॉर्मूला देखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन आई एम सेइंग कि हम स्टैट्स एफिशिएंट क्लासेस में दोबारा रिवाइज करेंगे, अभी के लिए हम समझते हैं क्या है फॉर्मूला। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हम निकाल चुके हैं ऊपर, जो कि निकल के आया k + 1/2। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर करके, दैट मीन्स 1² + 2² + 3² till on k²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, वॉट इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आप लोगों के तो पूरी 12th यूज हो रही है गाइस, वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल साइंस के लिए आपके 12th का अगर बेस, मैथ्स का बेस बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोगों के लिए एक्चुअल साइंस के एग्जाम्स क्लियर करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, APGP, इन टॉपिक्स में कुछ भी डाउट्स है गाइस, माई सजेशन टू यू इज साथ साथ इसके करते करते अपनी NCERT उठाओ 12th की, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए जब हम आगे वाले क्लासेस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कर रहे होंगे बेसिक्स, तब आप लोग पूछो कि सर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। दिस इज द प्री रिक्वायर्ड नॉलेज फॉर एक्चुअल साइंस, कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन NCERT लेवल का एटलीस्ट तो आना ही चाहिए। अब मैं ये नहीं चाहता कि सर आप पूछो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आप सबको पता होना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, सेम इंटीग्रेशन भी ex ही होता है। सब मतलब बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को आती होगी आई एज्यूम। अगर नहीं आती तो गाइस माय सजेशन टू यू इज रिवाइज योर क्लास 12 बुक एंड कीप रिवाइजिंग क्लास 12 बुक। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा वीडियोस को गो थ्रू करते रहो अगर आपको यही चीजें नहीं आती, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास से क्या सजेस्ट करूंगा कि डोंट वेट फॉर मी,
कि मैं कब चैप्टर टू पे मूव करूंगा, चैप्टर थ्री पे मूव करूंगा, और आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है क्योंकि आप लोग अभी कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम्स दे रहे हो और जो सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो रिलेटिवली उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप लाइव क्लासेस की वेट करो, क्योंकि हम तो अपने स्पीड पर ही चलेंगे, क्योंकि हम अगर जल्दी भी कोर्स करा देंगे उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। दिसंबर तक अगर हम कोर्स कंप्लीट करा दें उसके बाद आप 2-3 महीने बिल्कुल वेले बैठे रहो, कुछ भी प्रैक्टिस ना करो, उसके सेंस नहीं है। तो हम हर एक चैप्टर को टाइम दे दे के चलेंगे, उसके सारे स्टेप्स कंप्लीट कर करके चलेंगे। तो हम अपना टारगेट कोर्स का करेंगे 2-3 वीक्स बिफोर दी एग्जाम, क्योंकि मैं कभी भी कोर्स कंप्लीशन वाले लॉजिक पे नहीं बिलीव करता। मेरा लॉजिक क्या होता है कि जितना हम कोर्स करें उस पर 100% कमांड करते रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कोर्स एग्जाम डे से 2 दिन पहले खत्म हो, ऑब्वियसली हमारा 1 महीना पहले आराम से खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप सारा कोर्स 4 महीने पहले करके बैठ जाओ और एग्जाम टाइम तक आप सब कुछ भूले बैठे, उसका भी कोई सेंस नहीं है। आप आराम आराम से चलो, लेकिन हर एक चैप्टर पे कमांड बनाते चलो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मेरी लाइव क्लासेस के लिए वेट ना करो, तभी हमने सारा कोर्स आपको वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। अपनी स्पीड के हिसाब से आगे 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 बढ़ते रहो, डाउट्स मेल करते रहो। उससे क्या होगा, जब हम लाइव सेशंस लेंगे, तो वो चीज़ें आपकी दोबारा दोबारा रिवाइज होती जाएंगी। जैसे अगर हमने अब चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, आपने अगर वो वीडियो से पहले ही देखा होता तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं और आप एग्जाम के लिए उस चैप्टर के लिए रेडी हो जाते हैं। अब एग्जाम में चैप्टर 1 से कुछ भी आ जाए, आई एम रेडी। तो ये पावर है हमारी पहले ही वीडियोस देखने की और सारे स्टेप्स कंप्लीट करने की। तो मेरा आपको थ्रू आउट द सेशन यही सजेशन रहेगा कि अगर आप वीडियोस देख के आ रहे हो, पहले से स्टेप्स देख के आ रहे हो और फिर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तभी अगर कुछ कुछ बच्चों के पास टाइम है तो उन्होंने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर लिए, या तो उन्होंने बड़ा एग्जाम CM1 ऑप्ट करा है या फिर CS1 प्लस CB1 और CB2 ऑप्ट कर लिया। तो मेरा सजेशन ये रहेगा इंस्टेड ऑफ CM1 आप CS1 के साथ अगर प्लान कर ही रहे हो तो CB1 या CB2 भी ऑप्ट कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है अभी स्टार्ट है, पता नहीं मैं इतना कोप अप कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो CS1 पे अच्छे से फोकस करो। ये नहीं होना चाहिए कि लाइव क्लास का हम वेट करेंगे, जब सर लाइव क्लास लेंगे तभी हम अपने अगले चैप्टर में मूव करेंगे। आप अपने स्पीड के हिसाब से आगे आगे बढ़ते रहो और फिर जब लाइव क्लासेस होंगे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो साथ के साथ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एनीवन रिमेंबर? यस एग्जैक्टली, 1/6, n n+1, 2n+1, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो देखो वही फॉर्मूला उन्होंने लगा रखा है, 1/6 k+1 2k+1 अपॉन k क्यों आया, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी k टर्म्स थी। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, k+1 2k+1/6। लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। हमें वेरियंस निकालना है तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, k+1/2 का स्क्वायर, जो कि हमने कहां से निकाला था, यहां से। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा वेरियंस का क्या आया, k² - 1/12। अब आप क्या हो गए सर, क्या हमें ये सारी डेरिवेशन याद करने की जरूरत है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप जब सॉल्व करने बैठोगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझ आएंगे, ये हो जाएगा। और ये फॉर्मूलाज तो आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप IFOA से एग्जाम दे रहे हो तो IFOA तो कह रहे हैं आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हो, और अगर IIA से भी दे रहे हो तो बेटा टेबल्स तो यूज करने ही करने हैं, टेबल्स तो यूज करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और ये सारे फॉर्मूलाज आपके पास टेबल्स में सजा रखे हैं आपके लिए, आपको कुछ भी याद नहीं करना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बस आपको चीज़ें समझती जानी है, कैसे कैसे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं और क्या क्या उनका मतलब है। जैसे अभी अगले आज की क्लास में हमने अपना फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। एनी डाउट्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन? ओके, लेट अस प्रोसीड टू द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूडेज क्लास, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली गिव इट अ क्विक लुक गाइस, page 5 ऑफ द कोर रीडिंग, chapter 1 page 5, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक जल्दी से क्विक रीड दो, फिर हम नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में इसको डिस्कस करेंगे, एंड दिस विल बी द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टूडेज क्लास। आज की क्लास में हम ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोगों के पास इंट्रो ही बहुत हैवी हो गई है ग्रैस्प करने के लिए, हम 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आज, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा डिटेल में। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन और करते हैं आज, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
quickly have a look on this. Okay guys, let us quickly have a look on binomial distribution. अभी अभी हमने जब distributions की discussion start करी था, मैंने आपको बताया था यही इकलौता distribution है जो आप लोग अपनी class 12th में पढ़ के आए होंगे. हमने क्या formula देखा था उसका, NCR p raised to power r into 1 minus p raised to power n minus r, यही देखा था. तो वही सेम है, बस r की जगह इन्होंने x लिया हुआ. तो हम एक एक वेरिएबल समझते हैं इसका, एक एक वेरिएबल का मतलब क्या है. तो कह क्या रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा दैट देयर आर 20 ट्रायल्स. जैसे एक डाइस का क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ अ डाई इज रोल्ड 20 टाइम्स एंड यू ऑब्टेन एटलीस्ट 6 टाइम्स द ऑब्जर्वेशन 6. अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया, या फिर एटलीस्ट की जगह भी हम एटलीस्ट नहीं पढ़ते, अभी भी बोल देते कि आपके पास एग्जैक्टली 6 टाइम 6 आया, 6 टाइम्स 6 ऑब्टेन करा आउट ऑफ 20 ट्रायल्स. तो अगर इस केस में अगर हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे समझते हैं. तो हमारा एन क्या होगा, 20 सी एक्स. एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो x को क्या समझेंगे हम, नंबर ऑफ सक्सेसेस. अब सक्सेस इवेंट पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा. सक्सेस इवेंट हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, सक्सेस इवेंट होगा कि ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्वेशन 6, कि डाई रोल करा उसमें से 6 आना मेरा एक सक्सेस है. अच्छा, ये सक्सेस मैच कर रही है लूडो में जब हमारी अपनी गेम स्टार्ट करते हैं उससे, ठीक है. तो हमने सक्सेस क्या डिफाइन करा, 6 आना. तो 6 आना हमने क्या डिफाइन करा, सक्सेस इवेंट. तो अब उस सक्सेस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर वो एक अनबायस्ड डाइस है, अगर वो एक अनबायस्ड डाइस है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals to 6, दैट विल बी 1/6. वेरी सिंपल, हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है एक डाइस की. तो हमने ऑब्टेन करा अपने सक्सेस आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 1/6. तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं. तो 20 सी सिक्स क्यों, क्योंकि मुझे सक्सेस इवेंट है वो 6/6. मैंने ये बोला था कि मेरी सक्सेस कितनी बार आए, 6 बार आए, 1/6 रेस्ट टू पार 6 एंड रिमेनिंग 1 माइनस p 5/6 रेस्ट टू पार n माइनस 6 दैट इज 14. तो अगर इस टाइप की कोई इलस्ट्रेशन आती है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे पता लगा मुझे, कुछ नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन थे, मींस मैक्सिमम 20 ट्रायल्स गिवन थे, उसमें से हमें एक सर्टेन सेट ऑफ सक्सेसेस गिवन था कि 6 सक्सेसेस चाहिए, और हमारा सक्सेस इवेंट क्लियरली डिफाइंड था कि सक्सेस इवेंट क्या है, हमारा 6 आना. तो तभी वहां से मुझे पता लगा इस क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगा. नाउ क्विकली हैव अ लुक ऑन व्हाट इज इट्स मीन. मीन इज एनपी वेरियंसेस np 1 minus p. Again, no need to learn this, already given in the tables. अब हम बात करते हैं कि इसको represent कैसे करेंगे. Guys, कभी भी question आएगा, we will be representing x is following. So, this sign belongs to following binomial distribution BIN with parameters n, p.
स्टैट्स में हम हर एक वेरिएबल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएंगे अगर वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो ये एक्स क्या है, ये एक्स ही मेरा एक रैंडम वेरिएबल है। तभी मैंने आपको बताया इन्होंने डायरेक्टली रैंडम वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया रैंडम वेरिएबल होता क्या है, रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। तो वो हम अपनी अगली स्टैट्स से फ्रेशर क्लासेस में सीखेंगे, जो मैंने आपको बताया इस चैप्टर के बाद हम चार क्लासेस सिर्फ स्टैट्स से फ्रेशर को सीखने में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पता लगा, एक्स इज फॉलोइंग बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन विद एन कॉमा पी। अगर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ जो अभी हमने डिफाइन करा था, एक्स को इवेंट क्या डिफाइन करा था कि सक्सेस आने का जब हम एक्स एक्स ऑप्टेन करें, तो उसमें अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं डिफाइन करूँगा एक्स इज फॉलोइंग बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 20,1/6। वाई 20,1/6, बिकॉज देयर वर टोटल नंबर ऑफ 20 ट्रायल्स एंड सक्सेस इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 1/6। एनी डाउट्स गाइज, एनी डाउट्स क्विकली आस्क मी। ओके, लेट अस क्विकली सॉल्व वन क्वेश्चन बिफोर वाइंडिंग अप टूडेज क्लास। क्विकली हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन गाइज, क्विकली लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास, जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, फिर डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 9 आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल हु हैव ऑलरेडी इन्फेक्टेड बाय अ सीरियस डिसीज विल सर्वाइव इफ द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज इज 70%। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यहां पे हमारा सक्सेस इवेंट क्या है, क्विकली डिफाइन योर सक्सेस इवेंट। एग्जैक्टली, सक्सेस इवेंट इज सर्वाइविंग द सीरियस डिसीज, द पर्सन सर्वाइविंग द सीरियस डिसीज। अगर वो सर्वाइव कर गया तो ये हमारा एक सक्सेस इवेंट, और सक्सेस इवेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन करी है, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन करी है, 70%। दैट मीन्स पी विल बी इक्वल टू 70% और 0.7। टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और हमें क्या पूछा है, एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 पीपल। तो एटलीस्ट 9 मतलब या 9 या 10, तो यहाँ पे हमारे दो केस बनेंगे। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू नहीं निकालना, यहाँ पे हमें निकालना है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो जो कि क्या होगा, x इक्वल्स टू 9 प्लस x इक्वल्स टू 10। अगर ये चीज़ें अभी नहीं समझ आ रही गाइज, अगेन आई विल से कि नो नीड टू वरी, ये सब चीज़ें हम अपनी स्टैट्स फिशरी क्लासेस में कवर करेंगे। बस अभी के लिए इतना समझो, उन्होंने बोला एटलीस्ट 9 मतलब 9 या 9 से ज़्यादा। अब टोटली 10 है तो 9 से ज़्यादा कितना जा सकते हैं, 10 ही तो जा सकता है। तो x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 10। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या फॉर्मूला, 10c9 p रेस टू पार 9, 1 माइनस p रेस टू पार 10 माइनस 9 एंड 10c10 p रेस टू पार 10, 1 माइनस p रेस टू पार 10 माइनस 10, दैट इज 0। बस उसके बाद अपना c यूज करोगे और फाइनल आंसर बता दोगे। सो हियर इज द सॉल्यूशन। Guys, any doubt in this simple question? किसी को कोई भी doubt quickly ask me. Clear? कैलकुलेशन में बस आप कैलकुलेटर्स यूज़ करो, अपना एनसीआर फंक्शन आपको डायरेक्टली गिवन है। अभी के लिए नहीं भी यूज़ करना तो आराम से एक चीज़ सॉल्व हो सकती है। हमें पता है एनसीआर की एक्सपेंशन क्या होती है, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एनसीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी डे वन से कैलकुलेटर यूज़ करना सीखो, क्योंकि अब हमें कॉपी पेन पे कैलकुलेशन नहीं करनी है, वी हैव टू यूज़ our calculators each time when we are doing any actuarial problem. Okay guys, this covers our binomial distribution and uniform distribution. Next class mein hum start karenge Bernoulli distribution, which is a special case of binomial distribution only. तो मेरा आपके लिए क्या सजेशन रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अगर आप लोग वीडियो से गो थ्रू करके आओगे, अगेन वेरी गुड, नहीं भी करके आओगे तो दिक्कत कोई नहीं होगी, बट हाँ यू विल नॉट बी एट एडवांटेज। तो जो बच्चे देख के आएंगे वो एक एडवांटेज में, जो नहीं देख के आएंगे नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा नहीं कर पाओगे अपना, आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे।
ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.